वेस्टइंडीज इन दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। सीरीज का पहला मैच 25 मार्च को सेंचुरियन में खेला गया। बारिश के चलते यह मैच 11-11 ओवर का हुआ था। इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान रोमन पॉवेल ने अपनी हार्ड हिटिंग बैटिंग से सभी का दिल जीत लिया। पॉवेल की इस बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के अलावा दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी भी काफी खुश होगी। पॉवेल IPL में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है और वो जल्द ही फ्रेंचाइजी से जुड़ेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में रोमन पॉवेल ने महज 18 गेंदों में 238.89 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 43 रनों की पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। उनकी इस पारी में एक चौका और 5 छक्के शामिल रहे। उन्हें इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। वहीं पॉवेल की शानदार बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। IPL 2023 में पॉवेल दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में उनकी यह फॉर्म IPL में काफी कारगर होगी। पंत की गैर मौजूदगी में पॉवेल दिल्ली में एक फिनिशर की भूमिका अदा कर सकते हैं। IPL 2022 में बल्लेबाजी करते हुए पॉवेल ने 104.70 की औसत से 250 रन बनाए थे। इसमें उनका हाई स्कोर नाबाद 67 रनों का रहा।